राधे राधे फैंस, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज हम बनाना सीखेंगे 3 नंबर कान्हा जी की वूलन स्पेशल चोली। मैं आपको ये 3 नंबर कान्हा जी की वूलन स्पेशल चोली बनाना बताऊंगी, वो भी काफी इजी तरीके से। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम ये चोली किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 नंबर कान्हा जी की चोली बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से हम लूप बनाएंगे। ये हमारी स्टार्टिंग की लूप होती है, यहीं से अब हम स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद हम चैन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 15 चैन्स बना दी हैं। 15 चैन बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम 3 चैन और बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 चैन्स हमने बना दी हैं। लूप लेंगे, इसके ऊपर इस जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, जहाँ पर हमने फिंगर रखी थी। फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे, 3 से 2, 2 से 1। डबल क्रोशिया करते कैसे हैं, लूप लेते हैं, चैन के अंदर जाना है, लेके आना है, ये 3 धागे हो गए हैं, 3 से 2 निकालेंगे, 2 से 1 निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमें आगे कंटिन्यू करना है ये रो को। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। हमारे पास 15 चैन थी, तो 15 डबल क्रोशिया होंगे और एक लास्ट में हमने स्टार्टिंग में जो हमने 3 की चैन लिया वो, तो हमारे पास टोटल 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर दिया, सारी चैन्स के अंदर एक एक डबल क्रोशिया कर दिया। तो इस तरह से अब हमारे पास 16 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम सेकंड रो बनाएंगे, इसके लिए हम 1, 2 और 3 3 चैन्स बनाएंगे। वर्क को इस तरह से टर्न कर लेंगे, लूप लेंगे और इसी जगह पर देखिए फ्रेंड्स जाएंगे, और यहाँ पर हमें देखिए फ्रेंड्स 1 डबल क्रोशिया, इसी जगह पर दोबारा से हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रो के अंदर हमें हर चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया करने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स 1 और इसी जगह पर दोबारा से 2। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें आगे कंटिन्यू करना है, हमें हर चैन के अंदर 2-2 करने हैं। जो हमारी फर्स्ट चैन है उसके अंदर हमने 3 की चैन बनाई है, जो हमारी लास्ट डबल क्रोशिया होगा उसमें हम 1 करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने 1 ही बनेगा 3 की चैन, और जो हम लास्ट में है वहां पर भी 1 बनेगा। तो देखिए मैं, फर्स्ट रो में हमारे पास 16 डबल क्रोशिया थे, 16 का डबल 32 होता है, लेकिन हमने फर्स्ट में और लास्ट में 1-1 बनाएंगे, तो हमारी सेकंड रो में हमारे पास 30 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको सेकंड रो कम्प्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब ये सेकंड रो कंप्लीट कर दिया, इसमें हमारे पास 30 डबल क्रोशिया आ गए हैं। थर्ड रो हम बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स 1, 2, 3 3 चैन्स लेंगे, लूप को इस तरह से टर्न करते हुए वर्क को अब हम फिर से करेंगे। 1 डबल क्रोशिया हो गया, 1 डबल क्रोशिया हम और करेंगे, तो हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 1 3 की चैन और 1 डबल क्रोशिया, 2 हो गए। लूप लेंगे, थर्ड चैन के अंदर हमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थर्ड चैन के अंदर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और इसी जगह पर दोबारा से करेंगे 2। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स 4 हो गए। अब फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर करेंगे 1 डबल क्रोशिया, लूप लेनी है, फिर करना है 1 डबल क्रोशिया, 3 और लूप लेंगे, फिर करेंगे 4। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें क्या करना है, लूप लेनी है, वर्क को आगे लेके आना है 1 डबल क्रोशिया और इसी जगह पर दोबारा से करेंगे 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पहले हमने 2 के बाद डबल किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने 2 के बाद डबल किया, अब हम 4 के बाद 1, 2, 3 और 4 4 डबल क्रोशिया हमने 1-1 किया है, 5वीं चैन के अंदर हमने 2 किया। तो इसी तरह से हम देखिए फ्रेंड्स थर्ड रो कम्प्लीट कर लेते हैं, 4 के बाद हम डबल करेंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, थर्ड रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 36 डबल क्रोशिया आ गया। अब हम इस 36 डबल क्रोशिया के बाद अब हम फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो में हमें मोटा बनाना है, तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से बनाना है, 1, 2, 3 3 चैन्स बनाएंगे, लूप को इस तरह से रन करेंगे, लूप लेंगे और देखिए फ्रेंड्स इस चैन के अंदर जाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया हम और करेंगे, 2, 1 फिर से करेंगे, 3 और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे, 4। तो देखिए फ्रेंड्स 4 डबल क्रोशिया हो गए और 1 3 की चैन, तो हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम एक चैन लेंगे इस तरह से, फिर लूप लेंगे, फिर नीचे से देखिए फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5 दोबारा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 चैन स्किप करेंगे। 9वीं चैन के अंदर देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें
डबल क्रोशिया करना है। आगे हमने 5 बनाए हैं तो पीछे हम 10 बनाएंगे, क्योंकि 5 का डबल बनाना है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको 10 डबल क्रोशिया करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीछे 10 डबल क्रोशिया बना दी हैं। अब हम एक चैन लेंगे, जैसे हमने पहले ली थी, लूप लेंगे, 8 हमने चैन स्किप करनी है और 9वीं चैन के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डबल क्रोशिया होगा, 1, 2, 3, 4 और ये लास्ट 5। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 की चैन में भी ऊपर एक डबल क्रोशिया बनता है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में भी 5 डबल क्रोशिया थे और एंड में भी, और पीछे हमने 10 लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हम देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 1, 2, 3 तीन चैन बनाएंगे, वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे, लूप लेंगे और इसके अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। हमें हर चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये 5th रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब ये रो कंप्लीट कर दिया। मैंने जैसे आपको बताया था, एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमने अब ये रो कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट में हमें क्या करना होता है, इसे ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम चोली को इस तरह से रखते हैं, जो हमारी 3rd वाली चैन है इसके अंदर जाते हैं और स्लिप स्टिच करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें स्लिप स्टिच करना है और उसके बाद देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया, इसको टाइट कर देंगे और एक चैन लेके हम धागे को कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमें इस धागे को कट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, चोली इस तरह से अब हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें बॉर्डर करना है। बॉर्डर करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस तरह से लूप बनाएंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, लूप बन गई है। अब हमें देखिए फ्रेंड्स, ये चैन लेनी है और यहाँ पर जहाँ पर हमने फर्स्ट स्टिच किया है वहाँ पर, और ये एक्स्ट्रा धागे को भी हम साथ में ही अटैच करेंगे, जिससे कि ये बाहर ना निकले। और इस लूप को हम यहाँ पर सिंगल स्टिच से अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंगल स्टिच से अटैच हो गया, लूप लेंगे और इसी के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार लूप लेंगे, दोबारा से करेंगे 2 बार। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 हाफ डबल क्रोशिया हमने कर दी हैं। फिर लूप लेनी है, नेक्स्ट चैन के अंदर जाना है, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 1 दोबारा से। तो हमें आगे यहाँ पर 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ तक हमने कर लिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर भी हम 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर लूप लेंगे, फिर इसके अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया और। तो हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। लूप लेनी है, इसके अंदर करना है 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके अंदर दोबारा से करेंगे 2 हाफ डबल क्रोशिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर घुमाव होता है वहाँ पर हमें 4 हाफ डबल क्रोशिए करने हैं। किस तरह से करने हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिए कर दिए। बीच में एक चैन लेंगे, फिर लूप लेंगे और 2 इसी जगह पर दोबारा से हाफ डबल क्रोशिए कर देंगे, 1 और 1, ये 2। तो 2 हाफ डबल क्रोशिए हमने करने हैं, लूप लेनी है, 1 और 2। 2 डबल क्रोशिए के बाद हमें फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिए करने हैं, 1 और ये 2। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये सारा बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस घुमाव वाले हिस्से पर भी हमें यहाँ पर जहाँ हमने 4 बनाए हैं, यहाँ भी हमारे 4 बनेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हम ये सारा बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चोली का बॉर्डर कंप्लीट कर दिया। इस तरह से हमारी 3 नंबर कान्हा जी की चोली बन गई। और देखिए फ्रेंड्स, कितनी ही प्यारी लग रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।